ब्राजील ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को देश में बैन करने का कठोर कदम उठाया है। इस बैन के पीछे कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें अदालत के आदेशों की अनदेखी, लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कंटेंट को बढ़ावा देना और अतिवादी समूहों के लिए मंच तैयार करना शामिल। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अलेक्जेंडर डी मोरियस ने एक्स को देश में कानूनी अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था, जिसे कंपनी ने नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद जस्टिस मोरियस ने पूरे देश में एक्स को बैन करने का आदेश जारी किया। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर नाजी, नस्लीय, फासीवादी, घृणात्मक और लोकतंत्र विरोधी भाषणों को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। इसके अलावा कोर्ट ने एक्स पर 18 मिलियन रियाल यानी लगभग 3.2 मिलियन डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। ब्राजील की नेशनल टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी यानी एनाटेल को 24 घंटे के भीतर एक्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है और एप्पल और गूगल को अपने ऑनलाइन स्टोर्स से एक्स ऐप को हटाने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी वीपीएन का उपयोग करके बैन के बाद भी एक्स तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उस पर प्रतिदिन 50,000 रियाल यानी कि $10,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस बैन का कारण एक्स का ब्राजील की कानूनी प्रणाली को नजरअंदाज करना और सोशल मीडिया पर एक कानून विहीन क्षेत्र बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।